जर्नी में आपका स्वागत है। हमारा कारवा पहुंच चुका है NIT रोड केला की ओर। आज हम लोग इस कॉलेज की पूरी तरह से रिव्यू करेंगे, तो चलिए कॉलेज रिव्यू शुरू करते हैं। भारत के उच्चतम संस्थानों में शामिल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोरकेला की बात आज हम करने जा रहे हैं। इसकी स्थापना सन 1961 में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से ओडिशा के चीफ मिनिस्टर बीजू पटनायक ने स्टील सिटी रोरकेला में की थी। इसे NIT का टैग 2002 में मिला था। दिन प्रतिदिन इस कॉलेज का रुतबा बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज जल्दी आने वाली है, उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग हम लोगों से कोई कॉलेज रिव्यू कराना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें, हम लोग वीडियो बनाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। NIT रोरकेला उड़ीसा के रोरकेला में स्थित है। NIT रोरकेला से सबसे सामने रेलवे स्टेशन है रोरकेला स्टेशन, जो लगभग 7 किलोमीटर दूर है, और सबसे सामने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोलकाता एयरपोर्ट, जो लगभग 500 किलोमीटर दूर है। रांची एयरपोर्ट सबसे सामने डोमेस्टिक एयरपोर्ट है NIT रोरकेला से, जो लगभग 166 किलोमीटर दूर है। यह कॉलेज पूरे भारत में 16 रैंक पर आती है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में, और 801 से 1000 रैंक के बीच में आती है वर्ल्ड में। यह कॉलेज 648 एकड़ में फैला हुआ है। JEE मेंस कट ऑफ की बात करते हैं, इसमें भी दो तरह का कोटा उपलब्ध होता है, होम एंड अदर स्टेट। उसके अंदर भी गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग कट ऑफ जाता है, या यूं कहे कि गर्ल्स के लिए कुछ सीट रिजर्व रहती है। और यह सारी कट ऑफ 7th राउंड जनरल कैटेगरी की है, इससे कुछ ज्यादा कट ऑफ ही जाती है OBC, EWS, SC, ST की। चलिए जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। इस कॉलेज की कट ऑफ बहुत ही ज्यादा कम जाती है। कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ 10,504 होम स्टेट और 4,200 के आसपास अदर स्टेट की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा कम है। सबसे ज्यादा कट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और सिरामिक इंजीनियरिंग में जाती है। इसी तरह आप माइनिंग, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग के कट ऑफ देख सकते हैं। इस कॉलेज में आपको कुछ नई ब्रांच भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल डिजाइन के भी कट ऑफ आप देख सकते हैं। यह कॉलेज आपको डुअल डिग्री कोर्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको BTech और MTech दोनों डिग्री 5 साल में प्रोवाइड कराई जाती है। उसी तरह आपको यहां पर MSc 5 साल की कोर्स कराई जाती है। आप इन सब के कट ऑफ स्क्रीन पर देख सकते हो। बी आर्किटेक्चर, जिसकी JEE मेंस में अलग एग्जाम होती है, उसकी कट ऑफ भी आप देख सकते हो। और एक बात ध्यान दीजिए कि 5 साल के कोर्स में कोई भी रिजर्वेशन गर्ल्स के लिए नहीं है। ब्रांच वाइज स्टूडेंट स्ट्रेंथ को थोड़ा देख लेते हैं। इसमें सबसे ज्यादा सीटें कंप्यूटर साइंस में 284 है, लगभग इतने ही सीटें मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपलब्ध है। आप हर ब्रांच में कितने सीटें हैं देख सकते हो। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो लगभग 1:12 का है। नीट रुत्सव एनुअल फेस्ट है NIT रोरकेला का, जो बहुत ही शानदार बनाया जाता है। इनोवेशन एक दूसरा टेक्निकल फेस्ट होता है NIT रोरकेला में। NIT रोरकेला की फैसिलिटीज को थोड़ा देख लेते हैं। इस कॉलेज में आपको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेंगी, उसके साथ बहुत सारे ब्रांच देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं लाइब्रेरी की, जो किसी भी कॉलेज का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इस कॉलेज में लाइब्रेरी पूरी तरह से डिजिटलाइज फॉर्म में काम करता है। इस कॉलेज में बुक्स लेना हो या आपको ई बुक्स की जरूरत हो, तो आपको डिजिटल एक्सेस में कोहा सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है।
एनआईटी रोरकेला के लाइब्रेरी का नाम बीजू पटनायक सेंट्रल लाइब्रेरी है, जिसमें 87,000 प्लस प्रिंटेड बुक्स और इस कॉलेज में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ए बुक लाइब्रेरी के मदद से ए बुक प्रोवाइड कराई जाती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में आपको क्रिकेट की अच्छी सुविधा मिलेगी, वहां पर क्रिकेट स्टेडियम भी है। आपको वहां पर फुटबॉल ग्राउंड भी नजर आएंगे। आप वहां पर बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। वॉलीबॉल खेलने के लिए भी जगह दिखेंगे। आपको यहां पर बैडमिंटन कोर्ट्स भी दिखेंगे। आप इस कॉलेज में इंडोर टेनिस भी खेल सकते हैं। अब थोड़ी बात प्लेसमेंट स्टैटिक्स की कर लेते हैं। इस वीडियो में अंतिम 3 साल का प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे जो एनआईआरएफ के द्वारा दी गई है। अंडर ग्रेजुएट की मीडियन प्लेसमेंट 6,50,000 थी 2019 में। उसी तरह आप डुअल डिग्री कोर्सेज की मीडियन प्लेसमेंट 6 लाख थी 2019 में। पोस्ट ग्रेजुएट की मीडियन प्लेसमेंट 5 लाख थी 2019 में। आप यह भी देख सकते हैं कि पिछले सालों से प्लेसमेंट का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यह कुछ कंपनियों की लिस्ट है जो एनआईटी रोरकेला के कैंपस को विजिट करती है। अब बात आए फीस स्ट्रक्चर पर एनम एनआईटी रोरकेला की। इस कॉलेज में बीटेक और एमटेक की फीस लगभग 1 लाख है और एमएससी की फीस लगभग 30,000 से 35,000 रुपए है। पीएचडी की फीस लगभग 30,000 रुपए है और लास्ट में एमबीए की फीस 2,20,000 के आसपास है। हॉस्टल रेंट पर एनम लगभग 13,000 से 14,000 रुपए है। पहली बार आपको 5,000 रुपए ज्यादा लिए जाएंगे जो रिफंडेबल होते हैं। मेस फीस लगभग 17,500 रुपए है। इस कॉलेज में आपको सिंगल और डबल रूम शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा। अब बात करते हैं रिसर्च की। आप अगर रिसर्च के लिए इस कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे। थोड़ी मशीनें जरूर पुरानी है पर आपको हर तकनीक प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपको ऊपर के 5 IIT या NIT त्रिची में एडमिशन नहीं हो रहा है और इस कॉलेज में हो रहा है तो आप इस कॉलेज में जा सकते हो। यह कॉलेज भी किसी से कम नहीं है। बिट्स पिलानी इस कॉलेज से थोड़ा सा बेहतरीन पर उसकी फीस बहुत ही ज्यादा है। SRMB, IT, मणिपाल से इस कॉलेज में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। ऊपर से इस कॉलेज की फीस उनसे बहुत कम है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कॉलेज रिव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।